आ चुके हैं और मैं जो है गाड़ी के सबसे ऊपर चढ़ा हूँ फिलहाल। फहीम भाई यहाँ पर चला रहे हैं। तो यो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप सब लोग गाइस यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और मजे करेंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का एक ही बल्कि हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू व्लॉग में। और अभी देखो भाई यहाँ हो रहे हैं भाई सुबह के जो है 7 बज रहे हैं एंड आई एम फुल टू रेडी। ठीक है, अब तुम्हारे भाई सोच रहे होंगे आज भाई आपको आप सुबह 7 बजे कैसे रेडी हो गए। तो गाइज आपने मेरे इस चैनल पर एक ही वर्ल्ड पर पहले ही देखे होंगे, फहीम भाई के साथ मैंने यहाँ पर बहुत सारे व्लॉग बनाए खूनी रिवर वाला और मैंने बाइक के रिंग लाइट्स वगैरह लगाए थे। तो बाइक के बाद जो है MG Actra जो उन्होंने अभी लेटेस्ट ली थी तो आज उसकी फर्स्ट सर्विस होने वाली है गाइज। और जिस मैं भी घर पर फ्री था तो फहीम भाई जो है अकेले जाए थे, तो मैं उनके साथ जो है दोस्तों आज देहरादून जा रहा हूँ। फिर आगे का प्लान बनेगा, अगर हम मसूरी वगैरह भी जाते हैं तो आपको आगे ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिलहाल अभी जस्ट मैं दोस्तों रेडी हो गया हूँ, सब कुछ अपना नहा धो के ठीक है। फिलहाल फहीम भाई का फ़ोन आया, वो अभी जस्ट अपने घर से निकले हैं, तो एक बार जब वो आ जाते हैं तब हम इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों कतई जहर होने वाला है एक्सट्रीमली। ठीक है, आज बेसिकली घर का ब्लॉग नहीं, आज बाहर का ब्लॉग होने वाला है। तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना। और आज मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह ना जैसे गाड़ी वगैरह बनाने वगैरह के लिए तो मैं अपने GoPro के मीडिया मोड से भी लूँगा। ठीक है, हर जगह DSLR तो निकाल नहीं सकता, उससे भी लूँगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दो। चलो 15 minutes later. Guys, मैं आ चुका हूँ फहीम भाई की गाड़ी के अंदर और जस्ट मैंने जब घर से ब्लॉग स्टार्ट किया था तो उसके बाद फिर मैं जस्ट यहाँ पर आ गया क्योंकि मैं थोड़ा सा एक पावर नैप ले रहा था। फिर भाई का फ़ोन आ रहा और जो मेरा फ़ोन था गाइस वो बिल्कुल साइलेंट था। क्यों फहीम भाई, क्या हो गया था? मैं तो सोच रहा था आज आरिश ने धोखा दे दिया भाई। अच्छा जी, मैं इसी उसमें था, मैंने कहा आरिश ने धोखा दे दिया और अब यहाँ खड़े रहेंगे एक घंटे इंतजार करेंगे। अच्छा, ये फहीम भाई के फ्रेंड है, ये क्या नाम है आपका? आतिफ। अच्छा, आतिफ भाई है फहीम भाई गाइस और ये फहीम भाई की कार है। बट बेसिकली इसके सिनेमैटिक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अभी तो थोड़ी गंदी हो रही है सर्विस के बाद। और अभी जस्ट हम जो है गागा लेडी से निकले हैं, अभी हाईवे के ऊपर जाने के बाद कहीं पर रुकेंगे। यो गाइस, मेरी आवाज कैसी आ रही है आप सभी लोगों को? आई होप कैसी आ रही है, ये बताओ आ रही है। तो गाइस फहीम भाई जो है यहाँ पर ड्रोन उड़ाने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। फहीम भाई याद है हमने लंबी धारा माइंस में उड़ाया था इसे? बस यही मई पे मजा आया था, उससे पहले एक बार मैंने मनाली में उड़ाया था, मनाली में काफी मजा आया था। अच्छा, फिर वहाँ बहुत बढ़िया व्यूज थे, उसके बाद मौका ही नहीं मिला कहीं उड़ाने का। लद्दाख जाने की तैयारी है, लद्दाख चलते हैं फिर वहाँ मजा आएगा। ये बोलने की बात नहीं है गाइस, हम जो है रियलिटी में जो है लद्दाख जाने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो है हम यहाँ पे फालतू ही बोल रहे हैं, रियलिटी में जाने वाले हम लद्दाख। फिलहाल फहीम भाई यहाँ पर है और आतिफ भाई यहाँ पर है, अभी ड्रोन उड़ाने की तैयारी की जा रही है, देखते हैं क्या होता है। हमने जो है ड्रोन वगैरह उड़ा लिया, ड्रोन उड़ाने के बाद कैसे फीलिंग आ रही है हमको? बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है, काफी दिन से उड़ाया नहीं था और एक्टिव ट्रैक मोड जो इसका ड्रोन का है वो भी ट्राई कर लिया फाइनली, तो काफी मजा आया है। अभी मेन शॉट्स जो है पहाड़ों पे जाके लेंगे। जो है पैरानोमिक सनरूफ खुल गई है, गाइस। तो फिलहाल हम जो है भाई बिहारीगढ़ से निकल चुके हैं और अभी जस्ट आतिफ भाई कितना टाइम रह गया? लगभग आधा घंटा।
अच्छा आधा घंटा रह गया। पहुंचने वाले हैं अभी जस्ट देहरादून। ये तो भाई भाई यहाँ पर खाली है, अरे खाली नहीं है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोरोना की रिपोर्ट वगैरह चाहिए। खैर मेरी तो ऑनलाइन चढ़ी हुई है, मुझे तो बस एक कोड देना पड़ेगा जनरेट करने के लिए। मेरा चश्मा, ओ चश्मा टूट गया। एक ही है भाई, गाइस एक ही चश्मा है काम का। अच्छा क्या होगा, टूट गया है। क्या दिखता है इसे लगाने के बाद? इसे लगाने के बाद जो किसी ट्रांसपेरेंट दिख जाता है हमें। अच्छा जी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है। फहीम भाई का क्या नाम है? आतिफ विचार दिख गया था, आतिफ ड्रोन उठाया। बाकी फहीम भाई हाँ बता दो, ये जंगल भूखा है जंगल के बारे में? बहुत ही भूखा जंगल है आतिफ भाई। कितना भूखा है? अभी मत जाना है। कितना भूखा है जंगल भाई? सारी रात खाएगा तब भी भूखा। बहुत गाइस यहाँ पर जंगल जो है बहुत ज्यादा भूखा है। उतर के गाड़ी देख ले, कभी मुझे उड़ा दे कोई गाड़ी। उतर के गाड़ी देख ले। इतना भूखा है, बहुत भूखा है, लेकिन आरिश बहुत ज्यादा शरीफ है बेचारा। हाँ। इससे शरीफ इंसान मैंने कहीं दुनिया में देखा ही नहीं। अरे मिलेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो शरीफ की डेफिनेशन क्या है वो आप अपने हिसाब से निकाल। अरे नहीं नहीं, ये फहीम भाई जस्ट ऐसे बोल रहे हैं। बाकी मौसम बहुत गजब का हो रहा है यहाँ पर, आप ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे मजाक करके आपको मतलब ऐसे जोक सुनाएगा, लेकिन अभी शायद इतना मूड में नहीं है। शायद इसका मूड नहीं बना अभी, लेकिन जब इसका मूड बन जाएगा ना फिर उतरता नहीं। तो गाइस यहाँ पर जो है बारिश वाला मौसम हो रहा है, गजब। आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा का पूरा बारिश जैसा मौसम हो रखा है गाइस। और बंदरों की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। बंदरों की जनसंख्या आतिफ भाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा लाना पड़ेगा। हाँ, इनके लिए कानून क्या अपनाया जाए आप बता दो बस। इनके भी हम तो हमारे दो में कुछ होना चाहिए। हम तो हमारे दो वाला मतलब। हाँ ये बिल्कुल सही कही ना आपने बात। तो गाइस देहरादून में एंटर होने के बाद सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर जो है कोविड की रिपोर्ट चाहिए, ठीक है? और आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हो आरिश खान नेगेटिव, ठीक है ना? फिलहाल आतिफ भाई भी नेगेटिव है और फहीम भाई भी नेगेटिव है। तो बेसिकली यही होना सबसे ज़्यादा सही चीज़ है। और चलिए सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे आपको मिलेंगे, ठीक है? इसकी रिपोर्ट जो है आपकी चेक कर रहे हैं कि आपने टेस्ट कराया है या नहीं कराया है। तो गाइस यहाँ पर ही अगले वाले जो टेम्पो है इसको रोक लिया गया है। तो गाइस हमारी तीनों की रिपोर्ट तो गाइस यहाँ पर है, बाकी इन आगे जो है इनको रोक लिया। बाकी यहाँ पर देखो बस आ रही है पूरे नेगेटिव रिपोर्ट वाली, ये जो आगे ऑटो खड़ा है इसको रोक लिया है। अभी देखते हैं क्या सीन होता है, कितनी देर में यहाँ पर जो है निकलेंगे, कितनी देर में निकलेंगे। ये जो भैया हैं शायद मेरे ख्याल से ये चेक करते हैं। चलिए कोई नहीं, बाकी फहीम भाई यहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए थोड़ा अरिश अपनी साइड दे, पास दिखाइए। अभी कहाँ लेगा नहीं गाड़ी? अंदर ही जाएगी फहीम भाई, अंदर जाएगी। के शोरूम के बाहर खड़े हैं, एज यू कैन सी वो मेरे बिहाइंड में है। और यहाँ पर जो भाई फहीम भाई हैं और यहाँ पे आतिफ भाई, फिलहाल जो गाइस कार है अभी वो आधे घंटे में जो सर्विस होके मिलने वाली, तो हम जस्ट बाहर ऐसे ही टहलने आ गए थे, ठीक है ना? बाकी यहाँ का मौसम बहुत गजब का हो रहा है आतिफ भाई, कैसा मौसम हो रहा है? मजेदार एकदम, बढ़िया मौसम है इस टाइम घूमने के लिए। हाँ, गाड़ी हमने आधे घंटे में ले ली है, आ जाएगी, हम वॉश वगैरह करा देंगे। बाकी दोस्तों लुक वगैरह कैसा आ रहा है यहाँ का? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब थोड़ा सा सीन ब्लॉग का बन ही रहा है, मैं भी ले लेता हूँ। तो
तो गाइस आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इधर जो है यहाँ पर है मर्सिडीज, आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइस, ये मर्सिडीज है ठीक है। बाकी फहीम भाई ये हैं और आतिफ भाई ये रहे ठीक है। बाकी मौसम देख लो भाई यहाँ का कैसा हो रखा है, आतिफ भाई ये हैं ठीक है। तो गाइस आई होप यार ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए ठीक है। फिलहाल तो अभी बाहर है गाड़ी जो है दोस्तों, अंदर वहाँ पर दे दिए कुछ सीन वगैरह में मैंने आपको अंदर के दिखाए थे ठीक है ना। ये वाला पूरा का पूरा ब्लॉग दोस्तों 4K में होने वाला है, क्योंकि GoPro से मैंने शूट किया था मीडियम मोड के साथ, तो आई होप अच्छा ही बना होगा ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे। राइट गाइज, तो फिलहाल अभी यार भाई जो सर्विस वगैरह थी वो कम्प्लीट हो चुकी है, और अभी यहाँ पर दोबारा आना है। बाकी यार यहाँ पर जो है क्या अभी एक टायर में प्रॉब्लम है ना, नया टायर डलेगा। हाँ तो नया टायर डला है, बट इनके पास अभी फिलहाल वो आउट ऑफ स्टॉक है ना। कब आएगा वो कह रहे हैं कल परसों तक, दो दिन में आ जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात। सबसे ऊपर चढ़ाऊँ फिलहाल फहीम भाई यहाँ पर चला रहे हैं, और मैं आपको कुछ देहरादून के नज़ारे वगैरह दिखाना चाहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या करेंगी? मिस करे तुम्हें मिस। अच्छा किस चीज़ को? आज का मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा खतरनाक। लेट मी शो यू। क्या कह रहे? एक में दस पास तो मेरी एसी वाली आवाज़ है। फिलहाल हम जो है अभी यहाँ पर जो है मसूरी की सड़कों पर चल रहे हैं ठीक है। फिलहाल आज का सफ़र कुछ इस टाइप का रहा, अभी होटल वगैरह मिल जाए तो फिर मज़ा आ जाए ठीक है। अभी तो फिलहाल चल रहे हैं, आप सभी यहाँ पर देखिए किस टाइप का वो देखने के लिए मिल जाता है। मैं दूसरा मोड़ के दिखाओ कैसा एरिया आपको। चीज़ खैर भीड़ नहीं है अभी है ना, भीड़ होगी थोड़ी बहुत देर के बाद होगी, और फिलहाल अभी तो नहीं है। सही बात है, अभी नहीं है भाई साहब, गाड़ी दे देते हैं। तो चलो गाइस फटाफट हम जो है होटल पे पहुंचते हैं, चेक इन वगैरह करते हैं, उसके बाद मिलता हूँ मैं। 15 minutes later. आज जो भाई रूम हमने ले लिया है, और मैं आपको दिखाऊं फहीम भाई जो है सामने खड़े हैं, और रूम गाइस कुछ इस टाइप का है ठीक है। यहाँ पर फहीम भाई और यहाँ पर मैं सो जाऊंगा, और यहाँ पर जो है आतिफ भाई सो जाएंगे। आतिफ भाई जो टॉयलेट में है, बाकी सही है। हम ना आतिफ को अलग सुनाएंगे क्योंकि हाँ, कोई भरोसा नहीं है। आतिफ भाई जो है अलग सोएंगे, फहीम भाई और मैं यहाँ पर सोने वाले हैं। फिलहाल एक छोटा सा टीवी भी लगा हुआ है। खैर इस रूम के जो रेट है, रेट तो बताओ, इस रूम के रेट जो है मतलब ₹2100 बता रहा था। अब तुम देख लो गाइस यहाँ पर ठीक है, हम ऑनलाइन करने वाले थे बट हमने सोचा एक बार क्यों ना बात कर ली जाए, तो आई होप कि मजा आएगा ठीक है। बाकी यार इस व्लॉग में बस इतना ही, फहीम भाई के साथ मेरी जर्नी यहीं तक थी ठीक है। अब जो हम बाद में करेंगे, जो कि कल वाला व्लॉग होगा वो कल आने वाला है ठीक है। हमारा सफर गाइस यहीं तक का था, बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू व्लॉग में। तब तक लेके आ रहे खुश रहिए, फैम व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो यार गाइस मैं मिलता हूं आपसे किसी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक लेके आ रहे खुश रहिए। बाय।